एक बार न्यूयॉर्क में रहने के दौरान उन्होंने अपने अनुयायियों को सुनाया कि उनकी ओर से स्वामी प्रेमानंद के साथ वाराणसी की सड़कों पर चलते हुए वह शरारती बंदरों के एक समूह द्वारा पीछा किया गया था। जब दो युवा सन्यासी भागने लगे तो उन्होंने एक बड़े सन्यासी को उनके लिए पुकारते सुना। उसने उन्हें भागने के बजाय जानवरों का सामना करने के लिए कहा। दोनों बंदरों के खिलाफ खड़े हो गए और बंदरों के जंगली पैक को देखकर हैरान रह गए। यह संक्षेप में बताता है कि यदि आप भय को दूर करना चाहते हैं तो आपको अपने दुश्मनों का सामना करना होगा। स्वामी जी जिस डिब्बे में बैठे थे उसी डिब्बे में तीन लड़कियां यात्रा कर रही थी जिन्होंने स्वामी जी के दिखावे का मजाक उड़ाया और उन्हें नाराज और बाधित करने की कोशिश की। उन्होंने गिड़गिड़ाया, टिप्पणियां पास की और उसे परेशान करने की कोशिश की, उसका मजाक उड़ाया। लड़कियों को लगता था कि स्वामी जी को अंग्रेजी नहीं आती। उन्होंने स्वामी जी की कलाई पर एक अनमोल कलाई घड़ी देखी, शायद यह किसी भक्त द्वारा भेंट की गई थी, और उन्होंने स्वामी जी से कहा कि वे उस घड़ी को दें, अन्यथा वे पुलिस को शिकायत करेंगे कि स्वामी जी ने उन्हें शारीरिक रूप से परेशान करने की कोशिश की थी। लेकिन स्वामी जी ने जवाब नहीं दिया कि उन्होंने सिर्फ एक हाथ का इशारा किया था जिसे वह सुन नहीं सकते थे, वह बहरे हैं। फिर से उन्होंने एक इशारा किया कि आप जो भी कहना चाहते हैं कृपया उसे एक कागज पर लिख दें। तो उन लड़कियों ने स्वामी जी को लिखा और सौंप दिया। और अब स्वामी जी बोले, कृपया पुलिस को बुलाओ जो मैं शिकायत दर्ज करना चाहता हूँ। लड़कियां बेसुध थीं और चुप हो गईं। इस भाषण में विवेकानंद एक दूसरे और विभिन्न संप्रदायों और धर्मों के बीच असहमति का कारण समझाने की कोशिश की। उसने एक मेंढक की कहानी सुनाई। उन्होंने जो कहानी सुनाई उसमें एक मेंढक एक कुएं में रहा करता था। यह वहां पैदा हुआ था और वहां लाया गया था और यह अपने कुएं को दुनिया की सबसे बड़ी जल भूमि मानता था। एक दिन समुद्र से एक मेंढक उस कुएं पर आया। जब समुद्र के मेंढक ने कुएं के मेंढक से कहा कि समुद्र उस कुएं से बहुत बड़ा है, तो कुएं के मेंढक को विश्वास नहीं हुआ और उसने अपने कुएं से दूर समुद्र के मेंढक को भगा दिया। इससे हमें यह समझना चाहिए कि हमें कभी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए।